माता की, भारत माता की। आज हमारे लिए बड़ा शुभ दूर हो जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ। हेलो, आज तेजाजी महाराज, दादाजी महाराज और नंदी भगवान की कृपा हम सब पे हुए। ये सीता गांव जिससे मेरा बहुत पुराना और निकट का संबंध है, और इस सीता गांव में आज यहां के सरपंच श्रीमती सुनीता मीणा के नेतृत्व में एक विकास के नए आयाम खड़े हुए हैं। इस पंचायत में, एक पंचायत में 4 करोड़ रुपए से अधिक के काम हुए, जो अपने आप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड। चार करोड़ के काम अगर आप पूरी पंचायत बनने से अभी तक जोड़ लो तो 4 करोड़ के काम कभी नहीं हुए। हमारे पूर्व सरपंच ओम प्रकाश मीणा जी जो लगातार गांव के विकास के लिए लगे रहते हैं, मेरे गांव का विकास कैसे हो, शहर से नजदीक है मेरा गांव, लेकिन शहर की जैसी सुविधाएं यहां पर हो, इसके लिए लगातार उनका प्रयास रहता है। और एक जनप्रतिनिधि का यही दायित्व होता है कि अपनी क्षेत्र की जनता की बुनियादी आवश्यकताओं की बात भी करें और उनके सुख दुख के अंदर भी भागीदार है। कोई अभाव हो, कठिनाई हो, कोई समस्या हो तो लोगों को भरोसा रहे कि कोई बात होगी तो माका गांव का सफल साथ दे, सबसे मान लगा। यो विश्वास जनता में भी होना चाहिए और इस विश्वास में सरपंच साहब को भी खड़ा उतरना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का यही दायित्व होता है कि वह जनता के सुख दुख अभावों के अंदर उनके साथ खड़ा रहे और उनके अभावों को भी दूर करे और गांव की समस्या का समाधान भी करे। मुझे पता है कि अभी गांव की बहुत सारी हेलो, लेकिन आप निश्चित मानो ये तो शुरुआत है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। अभी इस पंचायत का और विकास करेंगे, इस पंचायत के विकास को शहर के विकास के समकक्ष खड़ा कर देंगे, ताकि लगे संस्कृति गांव की। आचार विचार गांव के, लेकिन विकास आधुनिक शहर जैसा। आज भी हमारे गांव की संस्कृति ये संस्कृति है कि हम लोगों को मिलजुल कर करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम होता है। हर पंचायत का गांव अपना एक परिवार समझता है, शहर में अभी ये नहीं है। शहर में तो एक बंगला से दूसरा बंगला को ही पता नहीं होता। इसलिए हमारी संस्कृति और संस्कार तो गांव के रखने हैं, लेकिन विकास की सुविधाएं शहर की हो, हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पीने का पानी हो, रोड हो, जो बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो। जो कुछ भी कमी रहेगी हमारे विधायक महोदय लगातार प्रयास करते रहते हैं,
लगातार सीता गांव में आपसे संपर्क में रहते हैं, प्रधान जी भी आते रहते हैं और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं आधी रात को। कोई भी समस्या हो, कोटा से लेकर दिल्ली से, दिल्ली से लेकर चेन्नई से, चेन्नई से लेकर रामेश्वर तक और रामेश्वर से लेकर गुजरात तक, पूरा देश आपका है, आप चिंता मत। देश में किसी भी अस्थि के अंदर कोई भी समस्या कठिनाई आए, मैं आपके जिम्मेदार हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और जो आपने प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, मैं हमेशा आपके स्नेह आशीर्वाद को नमस्तक करता हूं। ये प्यार बहुत पुराना है, ये आशीर्वाद बहुत पुराना है, मेरा आना जाना कम रहता है, लेकिन चिंता मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है और इसलिए मैं इसको भूलता नहीं हूं। हमारी पुरानी यादें अस्मरणीय हमेशा याद रहती है। आप निश्चित माने कोई समस्या, कोई कठिनाइयां, जो कुछ भी बची है उसको भी करेंगे, समय लग सकता है लेकिन अनंत इस गांव को विकास का एक मॉडल खड़ा कर देंगे कि सीनता पंचायत कोटा बूंदी के विकास की सबसे अच्छी और सबसे समृद्ध विकसित पंचायत है। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज मुझे आने में देरी हुई, मुझे बताया गया ब्रजराज जी ने बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में लाके देरी हुई, लेकिन मैं आप जब भी बुलाओगे फिर आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।